कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों से लेकर सरकार, टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे इस वजह से चिंता में डूबे हुए हैं। वहीं पूरे देश के सिनेमा जगत से कई बड़ी मशहूर हस्तियां कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ चुकी है। इस दौरान अब खबर आई है ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सत्यराज के फैंस के लिए। सत्यराज भी अब इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सत्यराज भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अचानक से उनकी सेहत बिगड़ जाने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खबर आई है कि जब एक शूटिंग के दौरान सत्यराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस दौरान वह नॉर्मल थे। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया था, लेकिन अब खबर आई है कि तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खबर है कि सत्यराज को चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कुछ दिन पहले हल्के सिम्टम्स महसूस होने की वजह से उन्होंने कोविड टेस्ट कराया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खबरों के मुताबिक सामने आया है कि हालत में सुधार ना होने की वजह से 7 जनवरी शुक्रवार की शाम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। सत्यराज की तबीयत को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जब से यह खबर आई है सत्यराज के फैंस उनकी सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9।